भारत ने दूसरे T20 ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेट से हरा दिया है। इस जीत के साथ सीरीज भी 1-1 की बराबरी पर आ गई है। 25 सितंबर को हैदराबाद में 3 मैचों की T20 सीरीज का निर्णायक मुकाबला खेला जाएगा। मैदान गीला होने की वजह से टॉस में 2 घंटे 45 मिनट की देरी हुई। यह मैच 8-8 ओवर का कर दिया गया था। पावर प्ले 2 ओवर का था और एक गेंदबाज को सिर्फ 2 ओवर डालने की अनुमति थी। टीम इंडिया ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया था। पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने 8 ओवर में 5 विकेट गंवाकर 90 रन बनाए। मैथ्यू वेड ने 20 गेंदों में 43 रन की नाबाद पारी खेली। वहीं एरन फिंच ने 15 गेंदों में 31 रन बनाए। अक्षर पटेल ने 2 विकेट झटके। जवाब में भारत ने 7.2 ओवर में 4 विकेट गंवाकर लक्ष्य हासिल कर लिया। कप्तान रोहित शर्मा ने 20 गेंदों में 46 रन की नाबाद पारी खेली। उन्होंने अपनी पारी में 4 चौके और 4 छक्के लगाए। वहीं दिनेश कार्तिक ने 8 ओवर में 1 छक्का और 1 चौका लगाकर मैच फिनिश किया। कार्तिक ने 2 गेंदों में 10 रन बनाकर नाबाद रहे। केएल राहुल 10 रन, विराट कोहली 11 रन बना सके। वहीं सूर्य कुमार यादव खाता भी नहीं खोल सके। एडम जैम्पा ने 3 विकेट झटके। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी तमाम जानकारी के लिए देखते रहें न्यूज़ साइट। धन्यवाद।